भीलवाड़ा जनपद में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा के बारे में यहाँ की शूटिंग और शर्टिंग के बारे में तो हम लोग सुनते थे, लेकिन आज यहाँ के उत्साह को और जिस उत्साह के कारण आप सबने देश और दुनिया में अपनी महक बिखेरी है, उस आज नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने महसूस किया पूरा राजस्थान एक प्रकार से करा रहा है। सौर और पराक्रम के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अपनी कला और अपनी कलाकृतियों के लिए जग विख्यात राजस्थान, अपने किलों और घरों के लिए विख्यात राजस्थान, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा राजस्थान आज कांग्रेस सरकार के गलत कार्य योजनाओं के कारण, गलत नीतियों के कारण करा रहा है। भाइयों बहनों, जिस सरकार ने आपको इन सब कार्यों के लिए और इस दिशा में छोड़ा है, जो यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहा है, किसानों को क्राइम करने के लिए मजबूर कर रहा है, नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे रहा है, बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, उस सरकार को जवाब देने का पर्व होता है चुनाव, और इसलिए चुनाव के अवसर पर विशेष अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। फर्क साफ है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ सम्मान, आज जब मोदी जी दुनिया में जाते हैं, दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, उस देश में कलह पावड़े बिछा करके क्या राष्ट्राध्यक्ष क्या जनता जनार्दन मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ी दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है, भारत के 142 करोड़ लोगों का गौरव होता है। सीमाएं हमारी सुरक्षित है, याद करिए कांग्रेस के समय में आतंकवादी कहीं भी घुस जाते थे, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर देते थे, लेकिन पिछले 9 वर्ष में आपने देखा होगा आज आतंकवाद नहीं होती, आज कोई आतंकवादी अगर कहीं कोई दुस्साहस करेगा उसे मालूम है नया भारत है, हम लोग आतंकवाद को ही नहीं आतंकवादी को ही नहीं आतंकवादियों के आकाओं को भी ठिकाना लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे नया भारत है, छेड़ना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का प्रयास किया तो उसको छोड़ते भी नहीं है, नया भारत है, और इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं। सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं, कांग्रेस ने देश को समस्या दी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाधान दिया, कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके इसका समाधान दिया, कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उसका समाधान दे दिया, कांग्रेस ने अलगाववाद फड़काया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से देश की समस्या का समाधान किया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डीबीटी
टीवी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत एक नई ऊंचाइयों को भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो रहा है। आपने कभी सुना होगा मोदी जी के नेतृत्व में भारत $4 ट्रिलियन का भारत आज के दिन पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। याद करिए कांग्रेस के समय में यही भारत दुनिया के अंदर 10वीं 12वीं अर्थव्यवस्था माना जाता था। आज भारत अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर हमारा देश धनी होगा तो हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आयु बढ़ेगी, हर व्यक्ति के घर में खुशहाली आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज और भाइयों बहनों यही नहीं हर घर नल की योजना के लिए हमारे भी कार्य हो रहा है। मोदी जी पैसा दे सकते हैं, उस पैसे को जमीन पर लगाने का काम राज्य सरकार का काम होना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती, हर घर में अब तक शुद्ध जल पहुंच गया होता, पहुंच गया होता। याद करिए कांग्रेस 55 वर्षों तक गरीब के घर में शौचालय नहीं बना पाई, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे दिए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया, देश के अंदर 7 करोड़ गरीबों के घर में हर घर नल की योजना का लाभ पहुंचा दिया, 4 करोड़ गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन दे दिए, 10 करोड़ गरीबों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया। भैया बहनों, यही नहीं 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दे दिया और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए मैं सुन रहा था, देख रहा था कल भी आवाज के पेपर में कोरोना फिर से अमेरिका में और चीन में फैल रहा है। हमने कहा भारत में निश्चित रहने की आवश्यकता है क्योंकि मोदी जी के द्वारा दी गई वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन आज भारत के पास है। भैया बहनों, फ्री में वैक्सीन, उससे पहले फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा मिली और ये राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी, ये भी मोदी जी ने कह दिया है। भाइयों बहनों, विकास हो या गरीब कल्याणकारी योजनाएं, ये सभी काम मोदी जी के द्वारा प्रभावी ढंग से देश के अंदर की गई, कोई भेदभाव नहीं किया गया। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे जब सत्ता में थे, कहते थे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, दलित कहां जाएगा, हमारा वनवासी आदिवासी बंधु कहां जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा, मोदी जी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, नौजवान का है, किसान का है, महिलाओं का है और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास का नारा, यही राम राज्य की अवधारणा है। एक तरफ देश विकास कर रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान में जहां जाओ कहीं बालू माफिया, कहीं खनन माफिया,
कहीं वन माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया, ये माफिया ही माफिया यहां हावी हो गए हैं भाइयों बहनों। और भाइयों बहनों, ये माफिया विकास के सबसे बड़े बैरियर में है। एक तरफ माफिया और दूसरी तरफ आस्था के साथ खिलवाड़। रामनवमी में भगवान